कारी तो है, पैर बन जाएगा, रो मत, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों के लिए मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मैं ये सब करना नहीं चाहता, आपने मुझे मजबूर किया। हमें लोगों की नजरों में अपने लिए नफरत देखने की आदत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलीम साहब, आपके बेटे छोटे साहब अभी तक नहीं आए। He should be here at any moment. Here he is. Hi, Dad. Hi. ये है मेरा बेटा। शब्द सॉरी। तो यही है वो घर। वाओ, क्वाइट ब्यूटीफुल है। यस इंडीड। मेरा बेटा शब्द सरी। शब्द उस आदमी का बेटा है जो हमसे हमारा सब कुछ छीन रहा है। क्या बात है राजी पुत्र, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मामी जी, मैंने आपको बताया था ना, वो सरीन अंकल हमारे घर पर कब्जा करने वाले हैं। आपकी बात हुई? नहीं, वो क्या है ना, मैंने मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, इतने 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 बिजी रहते हैं ना कि उनका फोन ही नहीं मिल रहा था। देखो पुत्र, सब 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 ठीक हो जाएगा। हाँ मामी जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने घर पर फोन भी किया था पर कोई फोन भी नहीं उठा रहा।
मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ कुछ गलत होगा। अगर फिर भी तुम तसल्ली करना चाहो ना, तो तुम कर जाके देखा। मतलब मैं वहां जा सकती हूँ? ये लो, ये भी कोई पूछने की बात है, जाओ पुत्र। थैंक यू मम्मी जी। जाओ, देखने दो कर नीलाम होता है तो घर वालों की हालत क्या होती है। देखने दो, सड़क पर आना किसे कहते हैं। बड़ा बड़ा दम भरती थी ना अपने मायके का, अब देखना थोड़ी ही देर में कैसे नीलाम हो जाता है इसका मायका। सोचता हूं कि यहां बैठे बैठे घर की डिटेल्स लेने से आपको पूरी जानकारी नहीं। मैं चाहता हूं आप जो चीज भी खरीदने जा रहे हैं उसे पहले बड़े सोच समझ लें, परख लें, देख लें, ठोक बजा के उसके बाद ही बोली लगाएं। मम्मी जी, डैडी जी, ये सब इंस्पेक्टर सजेस्ट कि आप सब लोग इस घर का एक चक्कर लगाएं, और इसमें हमारी मदद ब्रिज मल्होत्रा साहब से ज्यादा कौन कर सकता है। मल्होत्रा साहब इस घर के मालिक है, I'm sorry, पुराने वाले। मल्होत्रा साहब, प्लीज आप हमें इस घर के बारे में नहीं बताएंगे? भाभी जी, आप भी चलिए ना, वो क्या है कि घर तो लेडी ऑफ द हाउस से ही होता है। और यहां जो लेडीज हैं, ये एक औरत के नजरिए से घर को देख लेंगी, उन्हें मौका मिलेगा। चलिए। मैं क्या करूं, मेरी आंखों के सामने हमारा घर नीलाम हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं मम्मी जी को फोन करती हूँ, वो शायद कुछ कर सकती है। सरीन अंकल से वही बात कर सकती है। मम्मा, मुझे नहीं लगता कि राजी फोन करेगी। वो फोन करेगी, उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
देखा। हेलो हेलो मम्मी जी, बोलो राजी पुत्र। मम्मी जी हमारा घर यहाँ नीलाम हो रहा है। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी जी आप ये नीलामी रोक सकती हैं। मम्मी जी ये क्या कह रही हो राजी पुत्र, तुम्हारे घर की नीलामी? देखो पुत्र, देखो पुत्र ऐसे रोते नहीं है, घबराओ नहीं, मैं भी आ रही हूँ। हाँ अब जल्दी आइए मम्मी जी। हाँ हाँ ये ठीक है ना? हाँ? मम्मा जा रहे हो? हाँ जिस नजारे को देखने को आंखें तरस रही थी उसे देखने का मौका कैसे छोड़ सकते हो? जाना तो पड़ेगा ही, किसी की मदद के लिए या फिर अपने दिल के सुकून के लिए। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब, आप इस घर के बारे में नहीं बताएंगे जो कल तक आपका था? जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ उनके संस्कार बस जाते हैं और संस्कार इंसान की पहचान है। जब तक इस घर में हमारे संस्कार हैं ये हमारा है। इमारत से ना सही दिल से। भाभी जी ये भावनाएं ये संस्कार दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी कोई कीमत नहीं है। सही कहा आपने, कोई कीमत नहीं होती क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनमोल होती हैं जिनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। आइए आइए और देखिए कितनी मजबूत और शानदार इमारत है। हर तरफ सागवान की लकड़ियां ही नजर आ रही है। अरे वाह ये सब तो सरीन साहब पुराना खालिस माल दिख रहा है। देखिए झूमर, झूमर देखिए, आप लोगों ने कहीं भी नहीं देखा होगा। क्या क्या लग रहा है वो? मैं बताता हूँ क्योंकि तू इस कार के बारे में किसी को क्या बताएगा। मकान खाली कराता है ना तू, तुझे क्या मालूम कि कार क्या होता है? हम दोनों ने बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए लेकिन इस कार ने हमेशा हमें एक बाप का प्यार और माँ की ममता दी। धूप
बारिश, सर्दी, हर मौसम में इसने एक बाप बनकर हमारी रक्षा की और अपने दामन में छुपाकर मां का फर्ज निभाया। पुरखों से आशीर्वाद के रूप में मिले इस कार में मोनी जब मेरी पत्नी बनकर पहली बार इस कार में आई तो इस कार की रूह पूरी हो गई। बाहर आंगन में तुलसी के सामने जब मैं मोनी को अगरबत्ती जलाते देखता तो उसकी खुशबू से पूरा कार पवित्र हो जाता था। घर के आंगन में जब बच्चों को खेलते देखता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने अपने आंचल का एक सिरा खोल कर रख दिया है ताकि बच्चे उसमें दमा चौकड़ी कर सके। बाहर जमाने की धूप से परेशान होकर जब मैं वापस आता तो यह कार मुझे साया देता। ऐसा लगता मानो सारी परेशानियां वहीं चौखट पे रुक गई हैं। गमों के वक्त इस कार की दीवारें टिकुड़ जाती और हमें अपने आगोश में ले लेती। खुशियों में यही दीवारें और फैल जाती थी ताकि इसमें और खुशियां समा सकें। ये बैठक है जहां अपने परिवार के साथ वो पल गुजारे जो यादगार बन गए। हंसी, खुशी, आंसू सब मिल गए। भविष्य की कामना की और अतीत को याद किया। अतीत तुम यार, ये तुम्हारा घर है? था। और वो आदमी वो तुम्हारे डैड है जिन्होंने what happened? तकदीर। तकदीर? Come on. मैं ये तकदीर वगैरह को नहीं मानता। I just don't believe it. आदमी अपनी डेस्टिनी खुद बनाता है। Well, कभी कभी तकदीर काम कर जाती है। just look at me. मुझे तुमसे प्यार हो गया लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? सच्ची तो कह रहा हूं मैं। अब देखो, अगर तुमने मेरा प्रपोजल मान लिया होता, मुझसे शादी कर ली होती तो आज भी ये घर तुम्हारे पेरेंट्स के हाथों में होता। नो रियली, आई मीन इट। ओके लुक, I'm sorry. In the meanwhile, I'm out of here.
अगर तुमने मेरा प्रपोजल मान लिया होता, मुझसे शादी कर ली होती, तो आज भी ये घर तुम्हारे पेरेंट्स के हाथों में होता।